चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और उस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे शिमला के तारघर माल रोड भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तारघर से माल रोड होते हुए शेर ए पंजाब तक जनसंपर्क करेंगे। शेर ए पंजाब पर भाजपा कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे और 12 बजे राम मंदिर में प्रवासी उत्तराखंडी समाज एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 1 बजे से 1:30 बजे तक आरक्षित राम मंदिर शिमला हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 1:35 पर गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती पर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करेंगे गुरुद्वारा शिमला में। और इसके बाद 2 बजे भाजपा प्रत्याशी श्री संजय सूद जी की चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा भी करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। इसके बाद 3:30 बजे देहरादून आगमन होगा और इसके बाद शाम को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित सर्व भाषा कवि सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो ये पूरा आज का उनका शेड्यूल है, कार्यक्रम है कई सारे, तो बिजी शेड्यूल यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार जो है हिमाचल में जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आज रहने वाले हैं और इसकी शुरुआत 11:15 बजे से हो जाएगी। और इसी खबर पर सदर जानकारी के साथ देहरादून से देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ आज का उनका पूरा शेड्यूल है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के। बिल्कुल देखिए पूनम, अगर बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में जो है कुछ ही दिन बचे हैं जो पोलिंग होनी है, उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेता है उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है, क्योंकि हिमाचल का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा के सवाल बना हुआ है। कारण यह है कि अभी 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, इसका खासा असर पड़ सकता है। इसी तमाम कड़ी में जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो वहां पे आज जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरे पे हैं और लगभग 11:15 बजे करीब वो शिमला पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश से, और तारागढ़ जो माल रोड है वहां से जो है शेर ए पंजाब तक जो है वो जनसंपर्क करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका बाकायदा भव्य स्वागत किया जाएगा और लगभग 12 बजे के करीब वो जो राम मंदिर है उत्तराखंड का समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा वहाँ पे एक आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल, और इसके बाद जी जी अवनीश जी, जिस प्रकार से अब इसके बाद हिमाचल के दौरे पर हैं तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाय पर भी चर्चा का कार्यक्रम है, इसके बाद देहरादून भी आगमन है उनका, यहाँ पर क्या कुछ शेड्यूल उनका है, क्या कुछ अहम बैठक या फिर और कोई कार्यक्रम है जिसमें प्रतिभाग कर सकते हैं? देखिए पूनम, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से अभी काफी जो है उत्तराखंड राज्य अपना 22 वर्ष पूरा करने जा रहा है, कल जो है यहाँ पे जो है राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसी कड़ी में लगभग 5:30 बजे के राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में जो भाषा संस्थान है उसके द्वारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और जो सर्वे ऑडिटोरियम है ये जो है वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी हिमाचल से वापस आकर और उसमें जो है यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे, और लगभग 6 बजे के करीब जो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय वहाँ पर अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। जी शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो कई सारे कार्यक्रम सीएम धामी के हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है देहरादून भी वापस आएंगे और वापस आने के बाद भी जो है उनकी बैठक है और जिस प्रकार से स्थापना दिवस को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी, भाषा संस्थान द्वारा आयोजित सर्व भाषा कवि सम्मेलन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, ये तमाम कार्यक्रम जो है देहरादून में किए जाएंगे।